मैंने इसको बहुत समझाया चली जाए ये बॉटल यहां से, बट ये बॉटल जा ही नहीं रही यार। अपने आप तो ये कहीं जा, तुम यार अब बंद हो जाओगे थोड़ी देर। तो फोर्सेस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया की, क्योंकि अगर इनकी बात नहीं की और फोर्सेस की बातें करने लगे तो सब अधूरा है। न्यूटन सॉ द एप्पल फॉल एंड ही डिस्कवर्स ग्रेविटी, वो वाला कोट तो पता नहीं कितने लोगों ने हमसे बोला है। चलिए भाई न्यूटन साहब की थोड़ी सी बातें हम भी कर दें इस वीडियो में, बढ़ते हैं आगे। यार फोर्स होता क्या है, किसी ने मुझसे बोला पुश और पुल, किसी ने बोला है कि ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे लोग, मुझे ये अच्छी लगी, इतना काफ़ी है, बहुत सिंपल शॉर्ट। अपन तो वैसे भी स्मार्ट वर्क वाले लोग हैं, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट हुज एक्शन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। अब ये मत बोल देना कि एक्सेलरेशन पता नहीं है, पता नहीं है तो भैया प्लेज के बाकी जो काइनेमेटिक्स के वीडियोज हैं उनको देखो, सब समझ में आ जाएगा। तो यार ये हुआ अपने पास फोर्स की बात। अब अपन आते हैं आगे इनर्शिया की तरफ। अगर अपन इनर्शिया की तरफ चलें तो इनर्शिया होता क्या है, कितनी बार ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ कि बस अचानक से रुकी और तुम आगे की तरफ झुक गए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज तेजी से एकदम से चली, या बाइक पर तुम बैठे थे, दोस्त ने एकदम से एक्सेलरेट किया और तुम पीछे की तरफ बेंड हो गए। कितनी बार तुमने वो घर में देखा होगा जब मम्मा या कोई वर्कर घर में जो डोरमैट है उसको झाड़ू से मार रहा होगा और उसमें से रेत या कचरा नीचे गिर रहा होगा। कितनी बार तुमने देखा होगा कि घर में कोई गलती से गिर गया होगा और उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों जिसमें हम इनर्शिया की बात कर सकते हैं, और करेंगे हम वो सारी बातें इस वीडियो में। तो सबसे पहले इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मतलब मैं बोल रहा हूँ अपने आप से, सिर्फ मुंह चला रहा हूँ इस समय और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टेबल रख के अपने आप से हाथ से बोल रहा हूँ, हिलो हिलो हाथ, हिलो हिलो हिलो, नहीं हिल रहा ना, नहीं हिल रहा मेरा ये वाला हाथ, तो खैर ऑब्वियसली बंद है अभी, बट फिर भी मैं इससे भी बोल रहा हूँ उठ जाओ जरा जल्दी से, नहीं उठ रहा, अपने आप नहीं उठ रहा, मुझे इसको उठाने के लिए ऐसे फोर्स लगाना पड़ता है, या फिर अभी मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। मेरे हाथ में ये बॉटल है, इस बॉटल से मैं ये कह रहा हूँ, इस बॉटल से मैं कह रहा हूँ चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम अब नहीं जा रही यार कहीं, हाँ मैजिशियन होता तो शायद चली जाती, वो भी नहीं, वो भी दिमाग लगाना पड़ता। खैर तो अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मैं फिर बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाएगा अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ तो, और वो भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में, कभी अपने आप नहीं बदल पाती, इसी चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया। बेसिकली इनर्शिया इज वॉट, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द पार्ट ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन बाय इट्स सेल्फ। अपने आप बॉटल कहीं नहीं जा रही थी, अपने आप मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, मुझे इंस्ट्रक्शन देने पड़े तब जाके ये उठा और फिर मुझे फोर्स लगाना पड़ा। भाई फोर्स लगाना पड़ा तभी तो जब जिम में एक्सरसाइज करते हो तो डोले शोले बन जाते हैं ना यार, टॉर है भाई अपना है नहीं। तो खैर तो इसीलिए इनर्शिया, अब इसको भी अगर अपन क्लासिफाई करें तो इनर्शिया को अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है भाई, सिंपल सी बात है, रेस्ट पर था तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में इन वन डायरेक्शन, इट विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। या फिर डायरेक्शन, कितनी बार ऐसा हुआ अचानक से टर्न हुआ और अपन सब ऐसे बैंड हो जाते हैं कि नहीं, अगर गाड़ी सीधे सीधे जाते जाते अचानक से ऐसी हो जाए तो अपन सब ऐसे हो जाते हैं। बाहर से बैठा हुआ आदमी अपन को देख के बोल रहा है क्या नाटक कर रहा है यार, तेरे को कोई फोर्स लगा नहीं रहा तू इधर उधर डोल रहा है, अब उसको क्या बताएं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था, अचानक से मेरी डायरेक्शन बदली, मेरी बॉडी कहती है नहीं बदलने देंगे। तो भाई इसीलिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पिक्चर में आ गया। मैं इसको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप के स्टेट को बदलेगी नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और इसी कारण से जब हम लोग, अब देखो मैं आ रहा हूं सीधे अपने लॉ की तरफ, इनर्शिया पे जो बेस्ड फर्स्ट लॉ है, बट अब मैं आपको समझाता हूं बस में क्या होता है। पता है तुमको बस में एक्चुअली में जब अचानक से स्टार्ट होती है बस, तो तुम पीछे की तरफ ऐसे क्यों होते हो, कारण बताता हूं तुमको।
अपनी बॉडी को दो हाफ में डिवाइड करो, एक लोअर हाफ एक अपर हाफ। ठीक, लोअर हाफ बस के कॉन्टेक्ट में था अगर तुम खड़े हुए हो तो लोअर हाफ बोल रहा है बस चली, अब मैं चला, तो लोअर हाफ जाना शुरू कर देता है आगे की तरफ, और अपर हाफ बोलता है मैं तो वहीं रहूंगा क्योंकि इनर्शिया है, जब तक मुझ पे फोर्स नहीं आएगा एक्सटर्नल तब तक मैं वहीं रहूंगा, तो अपन पीछे की तरफ। ये आगे वाला पार्ट बोल रहा है मैं आगे जा रहा हूं, अपन वैसे अपना लोअर हाफ बोल रहा है, ऊपर वाला हाफ बोल रहा है मैं तो वहीं रहूंगा, तो पीछे की तरफ बेंड होते। और सिमिलरली जब गाड़ी अचानक से रुकती है तो उस समय क्या होता है, जब गाड़ी रुकती है ना अचानक से तो क्या होता है, एकदम से रुकी तो भाई पूरी बॉडी मोशन में थी, तो अपर हाफ बोलता है कि भाई मैं तो मोशन में था मैं मोशन में रहूंगा, और लोअर हाफ बोलता है मेरी गाड़ी रुक चुकी है तो मैं रुक गया हूं, तो अपर हाफ आगे की तरफ जाता है, तो अपन हो जाते हैं आगे की तरफ बैंड। नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ था पीछे से किसी ने मुझे पुश किया, जब मुझे पुश किया तो मेरी गाड़ी जो थी मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी को वहीं रुक गई, बट क्योंकि मेरे पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था बट था, तो अपर हाफ ने कहा भाई हम तो जाएंगे मोशन में आगे, तो मैं आगे की तरफ पंप करके गिरा। तो ये जो है ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन हर जगह लग रहा है। डोरमैट की जब अपन बात कर रहे थे तो डोरमैट में क्या होता है, अगर मैं मान लूं कि मैं ऐसे डोरमैट को लेके खड़ा हुआ हूं तो डोरमैट में बीच में ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अब जब आप इसको हिट करते हो ब्रूमस्टिक से, ठीक है, तो होता क्या है, ये वाला पार्ट झाड़ू से तो ये वाला पार्ट पीछे चला जाता है, बट ये डस्ट पार्टिकल बोलते हैं हम तो वहीं रहेंगे, तो ये क्या होता है, ये पार्ट पीछे चला गया बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से डस्ट पार्टिकल वहीं पर रहेंगे और ये नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों इनर्शिया के, तीन तरह का इनर्शिया था, डेफिनेशन भी मैंने तुमको दे दी, फोर्स की डेफिनेशन भी दे दी। आ जाते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की तरफ, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल एंड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। अब इस बात को अगर अपन थोड़ा और समझें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को अगर तुमने मेंशन नहीं किया तो समझ जाओ कि उसने डेफिनेशन काट दी टीचर ने। तो भाई इस लॉ को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जो इनर्शिया की बातें थी वो फर्स्ट लॉ के अंदर हैं, हमने इनर्शिया के बारे में भी पढ़ लिया, बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ लिया, और इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आते रहेंगे, जैसे आप सैंड के ऊपर जब कूदते हो गिरते हो तो नहीं लगती है अपन को, वो अपन थोड़ा और आगे जाके बातें करेंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो पहले तो जल्दी से तुम ले लो इसका स्क्रीनशॉट। वापस, तो भाई ये हो गई है अपने पास खत्म क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और इंस्टा पर फॉलो करना तो गलती से भी मत भूल जाना, और सब जगह धूम धड़ाका धमाल मचाते रहो, जितनी इंस्टा स्टोरीज बना सकते हो बनाते रहो। इस वीडियो में तो इतना ही, जय हो।